चिंगारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि हमारी तरफ भगत के साथ हमको आगे बढ़ के जला सकती है, इसको दबाओ, इसको ऐसी पछुआ वालों को मार डालो, इनको रोटी नहीं मिले, रोजी नहीं मिले, निराश हो और इनके परिवार भूखों मर जाए और खत्म हो जाए। बड़ी निर्दयता से प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो जो लहर ने यह किया कि कोष आयुक्त का जिनमें गुणवत्ता थी और है उनको सम्मानित करके पाठकों का और समाज का ध्यान उसकी तरफ खींचा जाए, उसकी तस्वीर उनको दिखाया जाए, उपेक्षित लोगों का। ये उपेक्षा कोई मामूली सी नहीं है। हमारे उर्दू साहित्य में बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका नाम मीर साहब, सभी लोग जानते होंगे मीर को। उन्होंने उपेक्षा पर एक शेर लिखा है, बहुत अच्छा शेर है। न देखना उसका इधर तजावुन था, एक सोची समझी चाल थी मेरी तरफ न देखना, उसका इधर न देखना तजावुन था, उसने पहचान कर मुझे मारा। और मारने का अर्थ है उर्दू में कत्ल करना, लातो झापड़ और दूचे से नहीं, गर्दन मारना, गर्दन काटना, जैसे मानसिंह और बहुत से लोगों का जो अभी आएगा, अभी उनका नाम आएगा। न देखना उसका इधर तजाहुल था, अब उपेक्षा थी, एक बड़ा खंडने वाली चीज। अगर रास्ते में एक ऐसा मित्र मिल गया जो एकाएक किसी बात पर अनबन हो गई है या होने की गुंजाइश है, या कोई बात में वो आपसे पीछे रह गया है, वो आपको अवॉइड करना चाहता है, बगल में दूसरे से बच्चे का हुआ चला जा रहा है, आपकी तरफ नहीं देख रहा है, जब भी आप उम्मीद है देख लिया है, ये तो उसकी व्याख्या हुई। लेकिन मीर ने इस पर लिखा है, गालिब ने लिखा है, भाई अच्छा तीजा के जो शायर थे, उस्ताद थे, उन्होंने इस बड़ा इस मोमेंट को बहुत महत्व दिया, इस मोमेंट को, इस क्षण को बड़ा महत्व दिया है उपेक्षा। गालिब लिखते हैं कि बनती नहीं उस वज्र में, वज्र ही जो वज्र सभा हो रही सम्मेलन हो रहा है, बनती नहीं उस वज्र में मुझसे हया किए, हम बिना लज्जा और बिना शर्म के बैठे रहते हैं। बनती नहीं मुझसे उस वज्र में, बनती नहीं उस वज्र में मुझसे हया किए, बैठे रहे अगरचे इशारे हुआ किए। गेट आउट, बार बार सुनाई दे रहा है, लोग आए कानून कह रहे हैं, कानून के रात चले जाए, कह रहे हैं चप्पल पड़ेगा दरबान गतिज के ले जाए, लोग कह रहे तुम्हारी निकल जाए। लेकिन हमको ये आदत पड़ गई है उस तबेले में जूता खाने की, लात खाने की, गधे की, तो आदत बन गई है। बनती नहीं उस वज्र में मुझसे हया किए, बैठा रहा अगर से इशारे हुआ किए। तो ये उपेक्षा इतनी मारक क्यों होती है? उस उपेक्षा में उस सत्ता का एक बिंब होता है, एक क्रूर, एक तानाशाही का बिंब होता है, जो वही जो कहा रही ने कि प्यादा से फर्जी भेड़ो टेढ़ो टेढ़ो जाए, जैसे नंबर सीवर बहुत से लोग ऐसे हैं। एक आलोचक हमारे लिस्ट में पूर्ण नहीं रहा है, वो रामलीला शर्मा, इस मामले में कई चुका हुआ विनम्र बहुत थे। अरे एक बच्चे से इतनी अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन जनता के विरुद्ध अगर किसी ने कोई
काम किया है, कलम चलाई है, तो उसी तरह से खंजर ले के तैयारी रहते थे और बड़ी शांति से मारते थे उसको। लेकिन नामवर सिंह जैसे कलबुर्गी अंसारी और कलबुर्गी अंसारी और ये ऐसे दिव्य प्राणी थे जो मशाल और रोशनी दिखा रहे थे समाज को, इस काली चेतना अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे, जगह जगह टुकड़ियां बनाई थी, सम्मेलन होते थे, उसके प्रचार होते थे, एक चुन चुन के उनको मारा गया। इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि सत्ता के खरीदे हुए भाड़े के हथियारों ने काम किया, सबको मालूम है। बगलौर में महसूस उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था, लेकिन जब ये देखा कि ये तो पुरस्कार वगैरह देने पर भी नहीं मान रहा है, तब उसकी गर्दन मारो पंसारे को, जो मुंबई के थे, बहुत ही नेक नियत आदमी थे। वो अगल बगल जो बीमार पड़े रहते थे, खांसते फूसते रहते थे, दवा की जरूरत पड़ती थी जाते कराते थे, और सिपाही के सदस्य भी थे। वही हाल हमारे डॉक्टर साहब का था, फर्स्ट क्लास के डॉक्टर साइंटिस्ट विज्ञानी, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो देखिए हिटलर के जमाने में तमाम लोग इलाज पर, जैसे हेडर वगैरह थे, काल इलाज पर था, तो जो भी जानते होंगे इसके दलाल थे हिटलर के, एग्जिस्टेंशलिस्ट अस्तित्ववादी नाम से बड़ी भारी फिलासफी की धाराएं भी मिली थी, जो पोस्ट युद्धोत्तर महायुद्ध के बाद धीरे धीरे विकसित हुई, नहीं चल पाई, चली कुछ दिन, लेकिन बड़ी वेग के साथ चली। उसमें जो है विभाजन हो गया, और सात तो वाले जैसे हालांकि जाली लुकाश ने सावधान किया लोगों को, वामपंथी भाषा बोल के साथ जो है वामपंथी खेमे में घुसना चाहता है, इससे सावधान। इधर साल में गाड़ी देता था पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को, बल्कि एक ऐसा आंदोलन हुआ था 1965 के आसपास, देगाल नाम का आदमी प्रेसिडेंट था, तूफान मच गया फ्रांस में, पूरा यूरोप जो है अचल हो गया। अफसरों ने कहा देगाल से कि जब तक पकड़ के जेल नहीं बंद किया जाएगा तब तक आंदोलन थमने का दिन नहीं चल सकता। देगाल ने कहा कि देगाल ने कहा कि उसको गिरफ्तार करने का मतलब पूरे फ्रांस को गिरफ्तार करना, ये उनका असर था विद्यार्थियों पर, जनता। आज क्या है, पुरस्कार वापसी का दौर चला, क्या क्या तमाशे हुए। हमारे डॉक्टर नामवर सिंह श्रीमान जी उन्होंने बयान दिया कि बहुत गलत हो रहा पुरस्कार वापसी को, पर एक पहले उनके भाई ने काशीनाथ नहीं लौटा, बाद में उन्होंने कहा कि हमसे गलती अगर पुरस्कार वापस किया छपा हुआ बारह में लिया तो मुना होता अन्नाथ संप्रदाय, दूधनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, केदारनाथ नाथ संप्रदाय। और हमने कहा कि नामवर का भी नाम नामवर नाथ सिंह। तो देखिए अभी नीलकांत जी नाथ संप्रदाय और उसके महंत नामवर सिंह की चर्चा हमेशा करते रहते हैं, अक्सर उन्होंने ढूंढ रखे हैं। इसी क्रम में अब जब 8 मिनट ही हमारा साइन टाइम हमारा बचा है, तो मैं आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ आलोचक श्री विजय बहादुर सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य श्री विजय बहादुर सिंह।
मैं यहाँ के नियम जानता हूँ, 6 मिनट बचे हैं और उसमें अभी हमारे अध्यक्ष को बोलना है, मैं 2-3 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो ये है कि आपके लिए समय है, आप हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि सर आप तो बोलिए, तो थोड़ा बोलूंगा। आज के समारोह के नायक, पता नहीं वो अपने को मानेंगे कि नायक है कि नहीं, लेकिन नायक तो हैं, आज तो हैं हमारे अंतरंग मित्र नीलकांत जी और अन्य मित्र लोग जो यहाँ बैठे हैं। और आप सब लोगों में से अधिकांश लोग तो मेरे परिचित होंगे और कुछ के लिए मैं भी परिचित होऊंगा। मैं सिर्फ 3-4 बातें ये कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि अगर मुझसे पूछा जाता कि कौन सा विषय रखा जाए, तो मैं कहता कि शब्द और समाज के रिश्ते क्या हो गए हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। सत्ता उत्ता पर तो बहुत कर लिया गया है, आज से पहले भी किया गया। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग सत्ताओं से जुड़े भी रहे हैं, लेकिन उनका साहित्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मसलन कालिदास का, वो तो सत्ता से भी जुड़े थे, इसलिए उनका साहित्य हम छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए सत्ताएं सब खराब ही होती हैं, ऐसा हम नहीं मानते। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वह सब किसी न किसी सत्ता के साथ वैचारिक तौर पर रहे हैं, इसलिए हमको अपना चरित्र भी नहीं छिपाना चाहिए कि अगर हम एक सत्ता के विरुद्ध किसी अन्य सत्ता के साथ लगे हुए हैं तो अंततः हम भी तो सत्ता के साथ ही। इसलिए हमको पहले अपने चरित्र पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं, क्यों हमारे हाथ से असली सत्ता जो थी, जिसके बारे में हम लोग परेशान हैं, हमारा समाज, हमारी जनता, हमारे हाथ से छूटती है। आप ये देखिए, आजादी के बाद और आजादी के पहले हमारे राष्ट्र कवि और उपराष्ट्र कवि ये कहाँ गए? मतलब ठीक है कि इनको साम्राज्यवाद से परेशानी थी, अंग्रेजियत से परेशानी थी, लेकिन नेहरूवाद से उनको परेशानी नहीं थी। तो मतलब क्या है कि सत्ता तो वो भी थी, सत्ता ये भी थी। सवाल ये है कि आप फिर किस समाज के लिए लिख रहे थे? माखनलाल चतुर्वेदी नहीं गए, लेकिन मैथिली शरणगुप्त तो दिनकर तो गए ना, बच्चन तो गए। खैर बच्चन तो ये बहस उठाते नहीं अपने जीवन में, तो यही देख ले। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो जब शब्द हमारा होगा, और वह शब्द हमारा तभी हो सकता है जब चरित्र हमारा होगा। चरित्र हमारे पास वो बचा नहीं कि हमारे शब्द वह अर्थ दे सकें जिससे हमारा समाज हम पर भरोसा कर सके। इसलिए चीजें खत्म हुई हैं, इसलिए रोने की क्या चीज है? नहीं नहीं, आप भी हमारे लिए मंच हैं। पहली बात यह है कि भवानी प्रसाद जी ने लिखा है ना, निरापद कोई नहीं है, ठीक आदम कद कोई नहीं है, न मैं न तुम न वे, न वे न तुम न वे, कोई है कोई है कोई है, जिसकी जिंदगी दूध की धोई है वो तो भी नहीं है, दूध किसी का धो भी नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वो तो ऐसा है कि आप जैसा हमें तैयार करेंगे, वातावरण देंगे, वैसा हमारा आचरण भी बनेगा। हम कोई ऊपर से थोड़े टपकते हैं, हम भी आप ही के बीच में से रोज रोज पैदा होते हैं। इसलिए अगर हमारा समाज अब हरिश्चंद्र नहीं चाहता, गांधी नहीं चाहता, तो उसमें समाज भी उतना भागीदार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी सोचें और हम लोगों को भी सोचना चाहिए कैसा हम ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम आसानी से राक्षस कह सकते हैं, वो भी मनुष्य हैं, उनको भी संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का और चुनाव देने का। इसलिए यह भी जब हम किसी को राक्षस कहते हैं और तो हम देवता हैं, ये हम कहने वाले यहां नहीं है। कारण यह है कि हम ही में से कुछ लोग अगर तय कर लें कि जनता के साथ नहीं है तो राक्षस है, और जो जनता के साथ हमें देखना होगा
नागार्जुन से एक बार मैंने कहा था कि इतने दिनों तक आपने सब पर लिखा, कुछ राजीव गांधी पर भी लिखिए। तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम क्या समझते हो मैं सबके खिलाफ लिखने के लिए बैठा हूं। तो मैंने कहा कि नहीं, चूंकि आप लिखते रहते हैं इसलिए मैंने आपसे कहा। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, अरे बच्चा आ गया, अभी बैठा है बेचारा, समझने दो उसको, 5 साल तो समय दो, उसके बाद तो हम अभी लिखेंगे, जनता लिखना शुरू कर दिया। इसलिए सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि सांप्रदायिकता केवल राजनेताओं के फैलाने से नहीं फैली है, हमारे फैलाने से भी फैली है। इसलिए इन सब चीजों पर अगर बहस करनी है, विचार करना है, तो बहुत गहरे से बैठ करके एक साथ विचार करना होगा। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि विचार खुले में होना चाहिए। वो तो अपने सत्ता वाले हैं, वो तो पता नहीं यहाँ के अखबारों में छपा कि नहीं छपा। 13 सितंबर को विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मुख्य अतिथि थे, मैं अध्यक्षता कर रहा था, इटारसी का मामला है। वो कह रहे थे गांधी जी जितना मैं सच तो नहीं बोलता, मध्य प्रदेश की बात है भोपाल की, लेकिन मैं भी थोड़ा सच बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप कितना सच बोलते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो बहसें होती हैं दूरदर्शन पर उसमें हम लोग समझ नहीं पाते कि सच कौन बोल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते शायद उतने खूबसूरत ढंग से न लड़ते हों जितने वहाँ प्राइम टाइम में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो साहब उन्होंने तो मुद्दा हटा दिया और ये कहने लगे कि ये कोई साहित्य की भाषा। अब मैं उनको मौका नहीं था साहित्य की भाषा, लेकिन अखबारों ने इस बात को छापा कि लेखक विजय बहादुर सिंह ने नेताओं को कुत्ता कहा। अरे मेरे कहने से क्या होता है, मेरे पास फोन बाद में आए कि आपने कुत्ता कह के कुत्तों का सम्मान किया कि अपमान किया। मैंने कहा क्या हुआ, कहने सुअर भी नहीं है वो। तो स्थिति ये है कि उनकी तो उम्र नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। हम मतलब हमें अपने आप से मतलब है कि हम जिस समाज के सदस्य हैं तो हमारी सत्ता समाज में क्या है, कोई सत्ता है कि नहीं। तुलसीदास की सत्ता है, वो चाहे पीछे ले जाए चाहे आगे ले जाए, लेकिन उनकी सत्ता है। और आप और हम पहले तुलसीदास या कबीर हो जाएं तो हमारी सत्ता भी हो जाएगी, लेकिन हमें अपने औकात भी मापना चाहिए और अपना चरित्र भी मापना चाहिए, आसानी से कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि समय हो चुका है, 5 भी बज गया है, ये हमारे साथी लोग हैं, हमको कितना भी कंसेशन दे, मैं जानता हूँ यहाँ एक नियम है और अब अध्यक्ष को बोलना है, फुर्सत से कभी होगा, आप सब लोग भी चाहेंगे कि प्रश्नों पर बातचीत हो तो शायद बात होगी। धन्यवाद विजय बहादुर सिंह जी। अब सबसे आखिर में आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, इन्हीं की कविता के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। यकीनन बेतरह खुश हैं वे, मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश, कि अभी भी लाल है पूरब, अभी भी लाल है सूरज का मुखड़ा, और तो और अभी भी लाल है मनुष्य की देह में बहता रक्त। श्री सुधीर सक्सेना। आदरणीय मंच एवं मित्रों, सबसे पहले तो नीलकांत जी को प्रथम मान बहादुर सिंह लेख सम्मान के लिए हार्दिक बधाई और उम्मीद कि वे आगे लंबे अरसे तक हमारे बीच रहेंगे, लिखते रहेंगे और एक मिसाल की तरह उनका लेखन हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। अध्यक्ष वक्तव्य के तौर पर बहुत सी बातें कही जा सकती थी, लेकिन अब चूंकि समय हो गया है, यहाँ की मर्यादा है, विजय बहादुर सिंह बता रहे हैं बार-बार। तो कल दिल्ली से कोलकाता आते हुए दुरंतो एक्सप्रेस में मैंने कविता लिखी नीलकांत जी के लिए, मैं उसी कविता को अपना अध्यक्षीय वक्तव्य मान के पढ़ना चाहूंगा, एक कवि के तौर पे और इस अध्यक्ष के तौर पे, इस सम्मान समारोह की दूरी के अध्यक्ष के तौर पे मैं कविता पढ़ना चाहूंगा। बीती सदी की बात है, सदी भर पहले नहीं वरन बीती सदी के पूर्वार्ध का काल, बीती सदी की बात है, सदी भर पहले नहीं वरन बीती सदी के पूर्वार्ध का काल, यौवन में चतुष्पथ पर खड़ा वह संभ्रम से सर्वथा परे, यौवन में चतुष्पथ पर खड़ा वह संभ्रम से सर्वथा परे,
मुड़ गया बाईं ओर कि रास्ता उधर से होकर जाता था गंतव्य की ओर, विचारों की मध्यम आंच में पकता रहा वो साल दर साल, विचारों की मध्यम आंच में पकता रहा वो साल दर साल, बुझा नहीं कभी शब्दों का अलाव, सवार ऊपरे मानुषेर सत्य में आस्थावान, सवार ऊपरे मानुषेर सत्य में आस्थावान, उसने कभी नहीं की पशुत्व की उपासना, उसने कभी नहीं की पशुत्व की उपासना। आज जिस तरह से मनुष्यत्व के ऊपर एक पशुत्व को प्रतिष्ठित कर रहे हैं और पशु मनुष्य हत्या उनके लिए मायने नहीं रखती, पशु की हत्या उनके लिए बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है और वो उसके लिए किसी भी पुरुष को जन्म कर सकते हैं, ऐसे असहिष्णु और आक्रामक और बर्बर और निर्मल समाज जन्म दे रहे हैं। तो इस संदर्भ को याद करते हुए, विचारों की मध्यम आंच में पकता रहा वो साल दर साल, बुझा नहीं कभी शब्दों का अलाव, सवार उपरे आस्थावान, उसने कभी नहीं की पशुत्व की उपासना, उसकी पहली वरीयता रही मनुष्यता, उसकी पहली वरीयता रही मनुष्यता, दूसरी भी मनुष्यता और तीसरी भी मनुष्यता, निष्कलंक वो अकुंठ लिखता रहा, वो अकुंठ लिखता रहा कि शब्द ही ब्रह्म थे उसके वास्ते, वो सर में बैठा धसा दुर्गम मन में चढ़ा चढ़ाइया और उसने पाया कि कठिन है नंगे को नंगा कहना, और उसने पाया कि कठिन है नंगे को नंगा कहना, पुर जोखिम और खतरनाक, अलबत्ता निहायत ही जरूरी, अलबत्ता निहायत ही जरूरी, सत्य से प्रखर न कुछ भी न कोई उससे प्राणवान, उसे यकीन रहा था उम्र सत और असत के द्वंद में अंततः जीतेगा सत्य, उसे यकीन रहा था उम्र कि सत और असत के द्वंद में अंततः जीतेगा सत्य, उसमें जोश भरता रहा मुसलसल सच कि खून का रंग लाल था दोनों गोलार्धों में, कि खून का रंग लाल था दोनों गोलार्धों में, सूरज भी लाल था सुर्ख और गांव में जन्मे बच्चे का चेहरा भी लाल, चाहे चीन की बड़ी दीवार हो या क्रेमलिन हवाना जैसे हो, चाहे चीन की बड़ी दीवार हो या क्रेमलिन हवाना या सैगोन, लाली छिटकी पड़ी थी, चाहे चीन की बड़ी दीवार हो या क्रेमलिन हवाना या सैगोन, लाली छिटकी पड़ी थी, उसे यकीन रहा कि जन्मेंगे फिर होचिमिन फिदेल कास्त्रो और शावेज, कि जन्मेंगे फिर होचिमिन फिदेल कास्त्रो और शावेज, जिया वो अटूट यकीन के साथ कि रात कोई नहीं ऐसी कि जिसकी सहर ना हो, जिया वो अटूट यकीन के साथ कि रात कोई नहीं ऐसी कि जिसकी सहर न हो, उसे यकीन रहा था उम्र विश्वास रहा अनाहत अक्षत निष्कंप की अंतिम खबर अवान के सपनों का ही यथार्थ, उसे यकीन रहा था उम्र विश्वास रहा अनाहत अक्षत निष्कंप की अंतिम खबर अवान के ही सपनों का यथार्थ होगी, लंबी यात्रा के बाद भी मैं पाता हूं वह एक शख्स, लंबी यात्रा के बाद भी मैं पाता हूं वह एक शख्स, आज भी है अम्लान अक्लांत हमारा प्रिय हमारा नायक नीलकांत नीलकांत। बहुत बढ़िया। लंबी यात्रा के बाद भी मैं पाता हूं वो एक शख्स, आज भी है अम्लान अक्लांत हमारा प्रिय हमारा नायक नीलकांत नीलकांत नीलकांत। बहुत बहुत बधाई। हाँ सर, धन्यवाद।